आज हम जो कपड़े पहनते हैं वो सब दर्जी के हुनर और सिलाई मशीन यानी कि स्विंग मशीन का कमाल है। अगर सिलाई मशीन ना होती तो शायद आज हम बढ़िया कपड़े ना पहन सकते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया था? आपको बता दें कि सिलाई की दुनिया में सबसे अधिक पूछा जाने वाला ये प्रश्न है, क्योंकि सिलाई मशीन का इतिहास आरोपों, असफल प्रयासों और कुछ गंभीर घोटालों से भरा पड़ा है। तो चलिए आज की इस वीडियो के माध्यम से जान लेते हैं कि सिलाई मशीन का आविष्कार किसने और कब किया। आपको बता दें कि सिलाई मशीन एक ऐसा यांत्रिक उपकरण है जो किसी वस्त्र या अन्य चीज को परस्पर एक धागे या तार से सिलने के काम आती है। इसका आविष्कार प्रथम औद्योगिक क्रांति के समय हुआ था। आपको बता दें कि हाथ से सिलाई की कलात्मकता के बिना सिलाई मशीन का इतिहास मौजूद नहीं मिलेगा। इंसानों ने लगभग 20,000 साल पहले ही हाथ से सिलाई करना शुरू कर दिया था। पहले के समय में सुइयों को हड्डियों या जानवरों के सींग और जानवरों के पापी से बने धागे से बनाया जाता था। खैर, हम अपनी किसी और वीडियो में सुई धागे की खोज का पूरा इतिहास लेकर आएंगे। हमारी आविष्कारशील सोच सिलाई की तकनीकों में सुधार और इसे कम मेहनत वाला कार्य बनाने के लिए इस क्षेत्र में कामयाबी दिला पाई थी। 18वीं शताब्दी में यूरोप में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई और यहाँ कारखानों में मैनुअल सिलाई को कम करने के लिए नए नए तरीके ढूंढने के प्रयास किए जाने लगे। इसी के चलते किसी ऐसे यंत्र की जरूरत हुई जिससे सिलाई को आसान बनाया जा सके। अगर बात करें सबसे पहले सिलाई मशीन के आविष्कार की, तो उसे पहली बार लंदन, इंग्लैंड में काम करने वाले एक जर्मन मैकेनिक चार्ल्स वीसेंथल ने बनाई थी। 1755 में उन्होंने दो नुकीली सुई के साथ कढ़ाई के काम के उद्देश्य से सिलाई मशीन का आविष्कार किया था। इनकी सुई के मध्य में एक छेद था तथा दोनों सिरे नुकीले थे। इनके इस मशीन में धागे को कपड़े के माध्यम से आगे और पीछे शटल भी कर सकते थे, लेकिन हमारे चार्ल्स ने सिलाई की समस्या को पूरी तरह से खत्म नहीं किया था। फिर 1790 में अंग्रेजी आविष्कारक थॉमस एंट ने पहली सफल सिलाई मशीन का आविष्कार किया, लेकिन उन्होंने अपने आविष्कार का सफलतापूर्वक विज्ञापन या वर्णन नहीं किया था। उनके मशीन का उपयोग चमड़े और कैनवस सामग्री को सिलने के लिए किया जाता था। आपको बता दें कि इनके मशीन में मोचे की सुई के भांति एक सुआ कपड़े में छेद करता था और धागे से भरी चरखी धागे को छेद के ऊपर ले आती और कांटेदार सुई इस धागे का फंदा बनाकर नीचे ले जाती, जो नीचे एक हुक में फंस जाता था। कपड़ा आगे सरकता और इसी भांति का दूसरा फंदा नीचे जाकर पहले में फंस जाता है। हुक पहले फंदे को छोड़कर दूसरे फंदे को पकड़ लेता है। इस प्रकार चेन की तरह सिलाई नीचे होती जाती थी। सेंट ने कपड़ों पर हाथ से सिलाई की मात्रा को कम करने के लिए मशीन बनाई थी। वो एक कुशल कैबिनेट निर्माता थे। हालांकि वे सिलाई को अधिक विश्वसनीय और कामयाब ना बना सके। पर्सनल सिलाई मशीन का आविष्कार 1830 में फ्रांसीसी दर्जी बार्थेलेमी थिमोनियर द्वारा किया गया था, जिसका पेटेंट सन 1830 ईस्वी में फ्रांस में हुआ था। पहले के समय ये मशीन लकड़ी से बनाई गई थी। थिमोनियर की इस मशीन में केवल एक धागा और एक सुई का उपयोग किया जाता था, जो कढ़ाई के साथ उपयोग की जाने वाली एक ही श्रृंखला में सिलाई बनाती थी। उनके इस मशीन के आविष्कार के कुछ दिन बाद ही कुछ दर्जी लोगों के समूह ने संस्था को तोड़फोड़ डाला जहां ये मशीन बनती थी, क्योंकि वे इनके सिलाई मशीन आविष्कार को बेरोजगारी की वजह मानते थे। हालांकि आविष्कारक किसी तरह से बड़ी कठिनाई से जान बचाकर भाग गया। फिर सन 1845 ईस्वी में उसने उससे बढ़िया मशीन का दूसरा पेटेंट करा लिया और सन 1848 में इंग्लैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका से भी पेटेंट ले लिया। अब इस समय तक उनकी मशीन लोहे की हो चुकी थी। हालांकि 1834 में वाल्टर हंट नामक एक व्यक्ति ने अमेरिका की पहली लेकिन कुछ हद तक ही सफल सिलाई मशीन का आविष्कार कर दिया था। शुरू में उन्होंने इसका पेटेंट कराने में कोई रुचि नहीं दिखाई थी, क्योंकि उनका मानना था कि उनका यह आविष्कार बेरोजगारी का कारण बनेगा। उन्होंने छेद वाली नोक, दोहरा धागा और दोहरी बखिया वाली मशीन बनाई थी। उन्होंने अपनी मशीन के एक घूमने वाले हैंडल के साथ एक गोल छेदीली नोक की सुई लगाई थी। कपड़े में छेद करके नीचे जाती थी वो, और उस फंदे में से एक छोटी सी धागी भरी खर्ची निकल जाती थी। वो फंदा नीचे फंस जाता था और सुई ऊपर आ जाती थी। इस प्रकार दोहरे धागे की दोहरी बखिया का आविष्कार हुआ। हालांकि जब हंट को अपनी सफलता पर पूरा विश्वास हो गया, तो 1853 ईस्वी में पेटेंट के लिए उन्होंने आवेदन पत्र दिया, लेकिन उनको पेटेंट ना मिल सका, क्योंकि ये छेदीली नोक वाला पेटेंट इंग्लैंड में न्यूटन एंड आर्किबोल्ड ने सन 1841 में दस्ताने सीने के लिए पहले करा लिया था, और फिर एलायस होव ने भी सन 1846 में अपनी पहली मशीन बनाकर पेटेंट करा ली। उसकी मशीन में 12 वर्ष पहले आविष्कृत हंट की दोनों बातें, छेदीली नोक तथा दोहरा धागा उपस्थित थी। कहते हैं किसी के चलते एलिस होव को बाद में अपने पेटेंट का बचाव करने और अपने आविष्कार को मार्केटिंग करने में समस्याओं का सामना करना पड़ा।
आपको बता दें कि आज के आधुनिक समय में इलायस होवे को सिलाई मशीन की खोज का सबसे बड़ा श्रेय दिया जाता है। इलायस होवे का जन्म 9 जुलाई 1819 को अमेरिका के मैसाचुसेट्स में हुआ था। इन्होंने पूर्व में बनी मशीनों में सुधार करके एक नई ऑटोमेटिक मशीन का निर्माण किया था। अपनी मशीन के निर्माण के अगले 9 वर्षों के लिए इलायस होव ने काफी संघर्ष किया। पहले अपनी मशीन में रुचि को सूचीबद्ध करने के लिए, फिर अपने पेटेंट को नकल करने वालों से बचाने के लिए उनका लॉकस्टिक तंत्र दूसरों द्वारा अपनाया गया, जो अपने खुद के लिए नई खोज विकसित कर रहे थे। आपको बता दें कि 1850 के दशक तक सिलाई मशीन को बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन नहीं किया जाता था। हालांकि इस समय सिलाई मशीन की टेक्नोलॉजी धीरे धीरे आम हो रही थी, फिर भी अभी तक आम जनता के लिए सफल सिलाई मशीन नहीं बन सकी थी। फिर इसके बाद इसाक सिंगर ने पहली व्यावसायिक रूप से सफल सिलाई मशीन का आविष्कार किया था, ताकि व्यापार के जरिए वो अच्छा मुनाफा कमा सके। इसाक सिंगर ने अप एंड डाउन गति तंत्र का इस्तेमाल करके सिलाई मशीन का आविष्कार किया था। जहां हर मशीन में अभी तक सुई अगल बगल चलती थी, वहीं इनकी मशीन में सुई ऊपर और नीचे चलती थी और एक पैर के चलाने से संचालित होती थी। पिछली सभी मशीनों को हाथों से क्रैक किया जाता था। हालांकि इसाक सिंगर ने अपनी मशीन में उसी लॉक स्टिच का उपयोग किया जिसे होवे ने पेटेंट कराया था। इसके बाद इलियास होवे ने इसाक सिंगर पर अपने पेटेंट को चोरी करने के लिए मुकदमा दर्ज करवा दिया। आपको बता दें कि इस समय तक मेरिट सिंगर अपनी मशीन का बहुत बड़े स्तर पर प्रोडक्शन कर रहे थे और उनको सफलतापूर्वक बेच भी रहे थे, लेकिन इलियास होवे ने पेटेंट उल्लंघन के लिए सिलाई मशीनों के सबसे बड़े निर्माता आइजैक मेरिट सिंगर के खिलाफ अदालत में मामला दायर किया। लेकिन अपने बचाव में इसाक सिंगर ने होवे के पेटेंट को कमजोर करने का प्रयास किया, ये दिखाने के लिए कि ये आविष्कार पहले से ही लगभग 20 साल पुराना था और होवे को अपने डिजाइन्स का उपयोग करके किसी से भी रॉयल्टी का दावा करने में सक्षम नहीं होना चाहिए। चूंकि वाल्टर हंट ने अपनी सिलाई मशीन को छोड़ दिया था और पेटेंट के लिए दायर नहीं किया था, इसलिए इलियास होवे के पेटेंट को 1854 में एक अदालत के फैसले से बरकरार रखा गया। दूसरी तरफ इसाक सिंगर की मशीन में होवे की तरह समान लॉक स्टिच प्रक्रिया और एक समान सुई का उपयोग किया गया था, फिर भी इसाक सिंगर की मशीन होवे से कुछ अलग थी। इसकी सुई बगल की बजाय ऊपर और नीचे चलती थी और इसे हाथ की क्रैंक के बजाय एक ट्रेडमिल द्वारा संचालित किया जाता था, इसलिए अंत में दोनों के पेटेंट बरकरार रहे। फर्स्ट इलेक्ट्रिक सिलाई मशीन 1889 में सिंगर द्वारा ही पहली व्यवहारिक इलेक्ट्रिक सिलाई मशीन का आविष्कार किया गया था। इनकी इलेक्ट्रॉनिक मशीनों में बेल्ट द्वारा चलने के लिए बैलेंस व्हील आता था, जो एक बिजली की मोटर से जुड़ा हुआ होता था। आपको बता दें कि एक यांत्रिक सिलाई मशीन की तुलना में इलेक्ट्रॉनिक सिलाई मशीन में अधिक सुविधाएं और विशेषताएं होती हैं, लेकिन अभी तक ये मशीन उतनी लोकप्रिय नहीं हो सकी थी, लेकिन 1970 के दशक के दौरान ये मशीनें काफी लोकप्रिय हो गई थी। 19वीं सदी के आखिर तक भारत में भी सिलाई मशीन आ गई थी। इसमें दो मुख्य थी, अमेरिका की सिंगर तथा इंग्लैंड की पफ। स्वतंत्रता के बाद भारत में भी मशीनें बनने लग गईं। भारत में 1935 में कोलकाता के एक कारखाने में ऊषा नाम की पहली सिलाई मशीन बनाई गई थी। मशीन के सारे पुर्जे भारत में बनाए गए थे। हालांकि आज के समय में तो भारत में तरह तरह की सिलाई मशीन बनती हैं, जिन्हें विदेशों में बेचा जा सकता है।